जनपद के 23 विकास खंडों में 20 विकास खंडों में 24 खेल मैदान प्रस्तावित हैं, इसमें 12 पे कार्य चल रहा है। हाँ, और इसमें दोहरा लाभ है, एक तो युवाओं को और खेल प्रतिभाओं को इससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत इसमें मजदूरों को उनको श्रमांश या मजदूरी के रूप में भी लाभ मिलेगा, और गांव में एक ऐसा माहौल तैयार होगा, गांव में एक स्थल, इस तरह के स्थलों की कमी रहती है जहां लोग उठ बैठ सकें, अपना व्यायाम कर सकें और टहल सकें, इस तरह के स्थल भी गांव में तैयार होंगे।